हेलो बच्चों, यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन लेस देन माइनस टू, उसको हमें सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये माइनस टू उधर जाके प्लस टू हो जाएगा एंड दैट विल बी लेस देन जीरो। ना अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारा इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू, और माइनस टू से ये टू कैंसिल हो गया, राइट। सो अल्टीमेटली हमारे पास आ रहा है थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, एंड दैट हैज़ टू बी लेस देन जीरो। ना अगर हम इसके पॉइंट्स मार्क करें क्रिटिकल, तो एक हमारा जीरो आ रहा है, एक वन और एक माइनस वन। ना वन से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, जीरो से वन के बीच में रखेंगे तो ये निगेटिव। ना जीरो वाला जिसने हमें दिया है टर्म, उसकी पावर में इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, सो निगेटिव, और माइनस वन जिससे हमें मिला है उसकी पावर में ऑड है तो साइन चेंज होगा तो पॉजिटिव। सो हमें बेसिकली लेस देन जीरो के लिए सॉल्व करना है। सो वो हो जाएगा माइनस वन से लेकर के जीरो, राइट, एंड यूनियन जीरो से लेकर के वन तक, दैट्स योर फाइनल आंसर। इसको हम ऐसे भी रिपोर्ट कर सकते हैं दैट एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से वन बट एक्सक्लूडिंग जीरो, राइट। सो दैट्स योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।